सुप्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा के निधन के बाद से उनके चाहने वाले मरमाहत हैं, उन्हें याद कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर उनके गीतों को शेयर कर रहे हैं और भावुक हो रहे हैं। इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शारदा सिन्हा के बेटे अंशुमान सिन्हा को एक भावुक चिट्ठी लिखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंशुमान सिन्हा को लिखे खत में कहा, आपकी माता श्रीमती शारदा सिन्हा जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ। इस मुश्किल समय में मेरी संवेदनाएं आपके परिवार और प्रशंसकों के साथ हैं। लोक परंपरा और जीवन के संस्कारों से जुड़े अपने गीतों से शारदा सिन्हा जी ने हमारी संस्कृति को समृद्ध किया। मैथिली और भोजपुरी में अपनी सहज और खनकती आवाज में गाए लोक गीतों से उन्होंने जन जन के हृदय को छुआ। लोक गीतों के अलावा फिल्मों में भी उनकी आवाज के जादू ने अनगिनत संगीत प्रेमियों को मंत्रमुग्ध किया। उन्हें पद्म पुरस्कारों सहित कई सम्मान मिले। संगीत से जुड़े युवाओं को उनका अमूल्य मार्गदर्शन मिलता रहा। आस्था के महापर्व छठ से जुड़े उनके गीत तो मानो इस महापर्व का अभिन्न अंग बन गए हैं। भगवान भास्कर और छठी मैया को समर्पित उनके गीत आने वाली पीढ़ियों को भी अपनी परंपरा से जोड़ते रहेंगे। बिहार कोकिला की आधी सदी से भी लंबी संगीत की साधना कला जगत की एक अनमोल धरोहर है। उनका निधन संगीत जगत के लिए पूर्णिय क्षति है। सहज और सरल स्वभाव की धनी श्रीमती शारदा सिन्हा जी के साथ हुई स्नेहपूर्ण भेंट मुझे आज भी स्मरण है। आज वह स्वस्थ शरीर इस संसार में नहीं है, पर उनके द्वारा दी गई शिक्षा, संस्कार और जीवन मूल्य परिजनों के साथ हमेशा बने रहेंगे। ईश्वर आपके परिवार व शुभचिंतकों को यह दुख सहन करने का धैर्य और साहस प्रदान करें। इसके जवाब में अंशुमान सिन्हा ने भी अपने सोशल मीडिया पर लिखा, परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शोक संदेश प्राप्त हुआ। माँ जब अस्पताल में भर्ती थी और जीवन मृत्यु के युद्ध से गुजर रही थी, तब आपने आत्मिक शब्दों से संबल प्रदान किया था। आज माँ के द्वारा किए गए पुनित एवं विनित सांस्कृतिक योगदान का यथोचित सम्मान करते हुए जिन भावपूर्ण शब्दावलियों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने शोक संदेश भेजा है, उसके साक्षी बन हम सभी परिजन अभिभूत हैं। माँ की अनुपस्थिति में ऐसे आत्मिक भाव हम परिजनों एवं माँ के प्रशंसकों के लिए बहुत बड़ा संबल है। ऐसी सांस्कृतिक चेतना एवं संवेदनशीलता के सद्गुणों के धारक हमारे प्रधानमंत्री जी को हृदय से प्रणाम। आपको बता दें कि दिल्ली के एम्स में शारदा सिन्हा का निधन हुआ था और उनके पार्थिव शरीर को पटना में मुखाग्नि दी गई थी। उनके निधन से उनके चाहने वालों में शोक की लहर है। ब्यूरो रिपोर्ट बिहार तक।